दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुबई की किस्मत बदलने की शुरुआत सिर्फ 440 रुपए से हुई थी। 1937 में दुबई भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था और ब्रिटिश इंडिया की तरह यहाँ पर भी इंडियन रूपी ही चलाते थे। ब्रिटिश लोगों को दुबई ट्रैवल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी जगह लग रही थी, क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के ठीक बीच में मौजूद है। ब्रिटिश एम्पेरियल एयरवेज दुबई के समुन्द्र में फ्लाइंग बोट्स का बेस बनाना चाहते थे, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। लॉन्ग रेंज अम्पायर फ्लाइंग बोट्स यूरोप से उड़कर दुबई में रिफ्यूल की जाती थी, उसके बाद ये ब्रिटिश इंडिया और एशिया के दूसरे हिस्सों में भेजी जाती थी। और इस बेस का मंथली रेंट केवल 440 रुपए का था, जिसमें वहां मौजूद गार्ड्स की सैलरी भी शामिल थी। लेकिन किसको पता था कि यही जगह एक दिन दुनिया की सबसे बिजी एयरपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और यहां की खुद की एयरलाइंस अच्छे अच्छों को टक्कर दे पाएगी। अब किस मुश्किल हालातों में इस एयरलाइंस की शुरुआत की गई और किस तरह से दुनिया के इतने छोटे से उभरते शहर से एमिरेट्स इतने कम टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 1950s में ही दुबई के शेख राशिद बिन शाहिद अल मक्तूम को ये अच्छी तरह से पता चल चुका था कि उनके पास जितने भी ऑयल रिजर्व्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 सालों के हैं। इसीलिए उन्हें जल्द ही से एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढना था जिससे दुबई डेवलप कर सके। उन्होंने देखा कि किस तरह ब्रिटिशर्स दुबई की लोकेशन को यूज कर बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं और दुबई को सिर्फ एक मामूली सा रेंट ही मिलता है। तो फिर उन्होंने बिना टाइम गवाए 1959 में दुबई की सबसे पहले एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन को शुरू करा दिया और 1960 में दुबई एयरपोर्ट सबसे पहली बार लॉन्च किया गया। जब इस एयरपोर्ट को लॉन्च किया गया था, तब इसमें सिर्फ एक कमरे जितना छोटा टर्मिनल और सिर्फ एक रनवे हुआ करता था, और वो भी पक्का नहीं था बल्कि रेत को कंप्रेस कर बनाया गया था। तो इस एयरपोर्ट पर केवल छोटे डगलस DC-3 जितने ही जहाज लैंड कर सकते थे। और 1965 में जब फाइनली एक मेटेलिक रनवे बनाया गया, तब इस एयरपोर्ट पे सबसे पहली बार मीडियम साइज का एयरक्राफ्ट जो लैंड किया था, उसका नाम कॉमेट था। और हर गुजरते साल के साथ दुबई के रूलर्स इसमें नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी इंप्लीमेंट कराने लगे और 1969 में इसके साथ 9 एयरलाइंस काम कर रही थी जो की 20 डेस्टिनेशन को ऑफर करती थी। और 1980s में दुबई एक इंटरनेशनल स्पॉट ओवर बनकर उभरने लगा, जहां इंडियन एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशियंस एयरलाइंस भी आती थी, जो कि यहां पर रिफ्यूलिंग भी करती थी। धीरे धीरे कर यहां पर बहुत सारा ट्रैफिक आने लगा। उस दौरान लोगों को अगर मिडल ईस्ट में कहीं भी ट्रैवल करना होता था तो वो गल्फ एयरलाइन का इस्तेमाल करते थे, जो कि बहरीन की एयरलाइन है। और पूरे मिडल ईस्ट में किसी को भी अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता था तो सबसे पहले वो गल्फ एयरलाइन के जरिए दुबई पहुंचते थे और दुबई से अपने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की शुरुआत करते थे। तो 1980s के दौरान दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को, जो कि उस समय दुबई के डिफेंस मिनिस्टर थे, एक ऑफर मिला, जिसमें गल्फ एयरलाइन ने उन्हें एक ऑफर दिया जिसमें उन्हें केवल ये अनाउंस करना था कि गल्फ एयरलाइन उनकी ऑफिशियल एयरलाइन है, जिससे गल्फ एयरलाइन को और ज्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर्स मिलने लगेंगे, जिससे दुबई का भी फायदा होगा और गल्फ एयरलाइन को भी फायदा होगा, और बदले में दुबई को गल्फ एयरलाइन के 50% स्टेक्स भी मिलेंगे। लेकिन दुबई के शेख ने इसे तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि गल्फ एयरलाइन दुबई को पूरा टूरिज्म देती थी और उससे दुबई को तो काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था, लेकिन बदले में गल्फ एयरलाइन को कुछ भी नहीं मिलता था। जिसके बाद दुबई के शेख के मना कर देने पर गल्फ एयरलाइन ने अपने कई सारे प्लेन्स जो कि दुबई जाते थे उनको बंद करा दिया, जिससे दुबई को भी बहुत ज्यादा घाटा हुआ। और यही टाइम था जब दुबई के शेख ने दुबई की खुद की एयरलाइंस को स्टेब्लिश करने का मन बनाया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये था कि एमिरेट्स को स्टेब्लिश करने के बाद वो अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे पीछे छोड़ेंगे, जैसे मलेशियन एयरलाइन, इंडियन एयरलाइंस, गल्फ एयरलाइन और सिंगापुर एयरलाइन। अब ये काम वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पर एक बोइंग 777 की प्राइस $25 मिलियन थी। उसके बाद उन्हें पायलट्स और इंजीनियर्स को भी ट्रेन करना था, उसका अलग से खर्चा लगता, और खुद के एयरलाइंस की अलग से ब्रांडिंग भी करनी पड़ती। यानी कुल मिलाकर अगर दुबई को एक नया एयरलाइन शुरू करना था तो उन्हें आराम से 6 से 7 करोड़ लगाने पड़ते। और इसीलिए दुबई के शेख ने यहाँ पर स्मार्टली खेला, उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी।
जिसके बाद PIA ने दुबई को दो बोइंग 737-300 लीज पर दिए और उन पर खुद के एयरलाइन यानी एमिरेट्स की ब्रांडिंग कर दी। और इसके बाद उन्होंने PIA से ट्रेंड पायलट्स और इंजीनियर्स को भी हायर किया और इसके बदले में पाकिस्तान को उन्होंने $1 करोड़ भी दिए। यानी जो काम करने में दुबई के 6-7 करोड़ रुपए लगने वाले थे वो सिर्फ 1 करोड़ में हो गया। दुबई की पहली एमिरेट्स फ्लाइट्स 25 अक्टूबर 1985 को दुबई से कराची तक गई। इसके बाद काफी सारी नई डेस्टिनेशंस को भी ऐड किया गया। एमिरेट्स के पहले ही साल में एमिरेट्स एयरलाइंस में 260,000 लोगों ने ट्रेवल किया और इस एयरलाइन में इन्वेस्ट किए गए 1-1.5 करोड़ रुपए रिट्रीव कर लिए गए। और इसके बाद टाइम बीतता गया और एमिरेट्स ने अपने क्लास को इम्प्रूव किया और आज एक टाइम ऐसा भी है जब दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बन चुकी है एमिरेट्स। एमिरेट्स के पास आज के टाइम पर 119 A380s हैं और 148 बोइंग 777 हैं। और यहाँ तक एयरबस A380 के जितने भी यूनिट्स हैं उसमें से 50% अकेला एमिरेट्स ही ऑपरेट करता है। और आज एमिरेट्स किस लेवल पर पहुँच चुका है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी दुबई एक ऐसे लोकेशन पर था जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट थी और दुबई ने टाइम के साथ साथ टूरिज्म पर फोकस किया और बहुत सारी नई चीज़ें बनाई जिसको देखने के लिए हर साल लोग आने लगे और दुबई टूरिज्म से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने लगा। और यही वजह है अपने ऑयल रिजर्व से केवल 1% ही कमाता है दुबई, बाकी का 97% वो टूरिज्म से कमाता है। दुबई का एक सिंपल सा फंडा है, वो या तो ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि दुनिया में है ही नहीं, या तो बनाते हैं तो जो चीजें दुनिया में है उससे सबसे ज्यादा बेस्ट, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और दुनिया का सबसे पहला 7-स्टार होटल। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जाता है दुबई को लीड करने वाले लीडर्स का, जिनका विजन बहुत आगे का होता है। वो आगे की 10 साल के सोचते हैं कि आज कहां पर हैं और अगले 10 साल में उन्हें कहां तक पहुंचना है, और वो पहुंच भी जाते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे प्लान्स होते हैं। और इसीलिए आज अगर आप दुबई में जाओगे तो अमीरी आपको साफ झलकेगी। और मैंने एक वीडियो लाइन प्रोजेक्ट के ऊपर भी बना रखी है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिलेगी। और मेरी मिस्ट्री वीडियोस और स्पेस रिलेटेड वीडियोस भी देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।